आज जो डीडीसी चेयर और वाइस चेयर पर्सन का इलेक्शन था, और पहले तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने डीडीसी के इलेक्शन में जो उन्होंने मेंबर चुने, इतनी बड़े मतलब काफ़ी तादाद में उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया और 14 आदमी जो है वो हमारे चुन के आए, और उन 14 में से आज जो है वो हमारा इलेक्शन था डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के लिए डिस्ट्रिक्ट रजौरी के लिए। और मैं अपनी तरफ से और अपने साथी नसीम लियाकत की तरफ से हमारे जो डीडीसी के मेंबर आन हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, मैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूं। और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं, तमाम माज़ शहरियों को और जितने भी हमारे भाई बहन इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, कि इंशाल्लाह हम दिन रात एक करके आपके लिए काम करेंगे। जिस तरीके से, जिस जोश और जज्बे के साथ आपने डीडीसी इलेक्शन में हमने वोट दिया, और उसके बाद खासकर मैं कहूँगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो हमारा इत्तेहाद रहा रजौरी के अंदर, मैं कहूँगा कि उसकी एक बढ़िया मिसाल है। और हम सब मिल के जितने भी हम सेकुलर फोर्सेज हैं, हम जितनी भी कम्युनल फोर्सेज हैं, उनके खिलाफ लड़ेंगे, रजौरी के अंदर आपसी भाईचारे को मजबूत करेंगे, रजौरी की तारीफ तामीर और तरक्की को इंशाल्लाह चार चांद लगाएंगे, और जो लोगों की तवक्कात हैं, जो हमारे डीडीसी मेंबरान हैं उनकी तवक्कात हैं, उनको इंशाल्लाह पूरा करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में जब भी कहीं कोई इलेक्शन हो और यहाँ पे हमारी जो कोलिशन है वो कामयाब रहे। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी साजिशें भी हुई यहाँ पे, आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से ये ड्रामा चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं हुआ, कई बार इलेक्शन जो है यहाँ पोस्टपोन भी जो है वो किया गया। लेकिन मैं अपने जो डीडीसी के मेंबरान हैं, मैं उनको बहुत मुबारक देता हूँ कि हर लिहाज से उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी की जो डायरेक्शन थी उसको जो है वो ऊंचा रखा, अपने जो भाईचारा उसको कायम रखा। और मैं ये कहूँगा कि रजौरी की तारीख में शायद आज सबसे बड़ा एक सुनहरी दिन है कि यहाँ पर इतना पुरअमन और पीसफुल जो है वो इलेक्शन हुआ। इस तरह ये क्या सहरियाँ की जा रही थी कि पार्टी में जो है इख्तलाफात है तो उनका जो आपस तालमेल नहीं है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूँगा कि हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जो तीन मेंबरान थे, हम एक थे और तीन मेंबर जो हमारे थे बड़े मैच्योर लोग थे, सईद अब्दुल रशीद साहब हमारे, कुयूम मीर साहब, बड़े मैच्योर थे। और खासकर मैं कहूँगा मेरे साथ सरदार मोहन सिंह जी हैं जो पीडीपी के, मनोहर सिंह जी हैं जो हमारे निशारा से, डॉक्टर साहब जो एक बहुत ही सीनियर आदमी हैं और एक गेस्टेड अफसर रिटायर हैं और एक मैं कहूँगा कि रिनाउंड डॉक्टर हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के नहीं बल्कि पूरी स्टेट के रिनाउंड डॉक्टर हैं। और इनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने अपनी पार्टी की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए अपने लोगों के जिन्होंने इनको जताया था उनकी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने हमारी सपोर्ट की, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार थे उनको जो है वो थ्रू कराया, और खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान थे वो भी एकजुट रहे और उन्होंने जो है वो चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का जो इलेक्शन है उसको कामयाबी से हम करार किया। मेरा नाम डॉक्टर मनोहर सिंह वसीत है, मैं डीडीसी निशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी हूँ, पीडीपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छी तरह इलेक्शन को निभाया, स्पेशली डीसी साहब,
और बाकी के जो स्टाफ थे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा नंबर मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। ये जो रजौरी की धरती है, ये ऋषियों मुनियों धर्मात्मा संतों पीरों फकीरों की धरती है। यहाँ हमारे फैमिली के हमारे ही रिश्तेदार थे बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, जिन्होंने देश को आज़ादी का पहला झंडा परचम ऊंचा किया था। अरे आप बात तो मेरी सुनो, मैं पहले उनको प्रणाम करता हूँ। दूसरा, ये जो जीत है, ये सच्चाई ईमानदारी देश प्रति वफादारी भक्ति की जीत है। जो क्रिमिनल फोर्सेस थी, दूसरी फोर्सेस ताकतें थी, जो ये सोचती थी कि हम पैसे के जोर पे या दूसरी लालच देकर इनको खींच पाएंगे, वो उसमें कामयाब नहीं हुए और ना ही वो जिंदगी में कभी कामयाब हूँ। जी जी बताइए, जिस तरह से जीत हासिल की है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कहेंगे आप? बस आज हमारे लिए बड़ी खुशी का माहौल है कि स्टेट में हमारे रजौरी पुंछ जो दो जिला थे उनमें से रजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और पीडीपी के कार्ड से हमारे नसीम लियाकत साहब चेयरमैन बने हैं और शबीर अहमद खान साहब वाइस चेयरपर्सन बने हैं। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का माहौल है और ख़ासकर कालाकोट और रजौरी के लोग और दलाल के लोग को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें मैंडेट दिया। और आज ये पूरी डिस्ट्रिक्ट की जो चेयरमैन है नसीम लियाकत जी और शबीर खान जी संभालेंगे और हम सब मिल के एक ग्रुप और एक परिवार की तरह काम करेंगे। अगर बात करें तो 13 तारीख को पोस्टपोन्ड किया गया और कहीं ना कहीं साजिशें रची गई, लेकिन फिर भी आपने जीत हासिल की, क्या कहेंगे? 13 तारीख को आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जवाब आया था कि कोरम पूरा नहीं है। हालांकि उस वक्त भी हमने कहा कि अगर कानूनी हिसाबते से देखा जाए तो कोरम उस वक्त भी पूरा था, मगर ये जिन लोगों ने कोरम पूरा नहीं होने दिया वो टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्स ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा प्रेशर का इस्तेमाल हुआ है इन इलेक्शनों में। बहुत मुश्किल के दिन गुजरे हैं हमारे मेम्बरान के ऊपर, मेरे ऊपर, और मगर मैं फिर भी मैं अपने मेम्बरान को मुबारक देता हूँ कि PAGD के अलायंस पे, उस हल्फ पे जिस पे वो पहले रोज़ खड़े हुए थे, जिस रोज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP और 5 या 6 जमातों ने ये अहद किया था कि हम PAGD के अलायंस के तहत DDC के इंतखाबात को लड़ेंगे, उसी अहद पे उसी मेम्बरान ने अपने लोगों को धोखा नहीं दिया और लोगों के मैंडेट को सलाम करते हुए आज मेरे हक में वोट किया है और मुझे यहाँ इस निशिस्त पे कामयाब करके भेजा है। मैं तमाम आवाम को और अपनी पार्टी की आला क्यादत को और इन तमाम मेम्बरान को जो PAGD के साथ मुंसलिक हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। नसीम साहब, अगर बात करें तो 9 वोट थे आपके, आपने 8 से जीत तो हासिल की, लेकिन एक आदमी का स्लिप होना उस पर ये इस चीज़ से हम वाकिफ हैं कि हमारे अलायंस में से किसी एक हमारे साथी ने वोट का इस्तेमाल PAGD के खिलाफ इस्तेमाल किया है और PAGD के नामजद उम्मीदवारों के हक में इस्तेमाल नहीं किया है। ये पार्टी लाइंस के अंदर पार्टी के कानून और जब्त के तहत इंक्वायरी होगी और जिस मेंबर ने पार्टी की इस हदायत की खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई जो वाजिब होगी वो इंशाल्लाह की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन हुआ, बात करें तो इसके विजेता जो है नसीम लियाकत जी रहे 8 वोट लेकर, और अगर बात की जाए तो शबीर खान जो है कांग्रेस के लीडर, उन्होंने जो है वाइस चेयरमैन के इलेक्शन जीते, और खासकर अगर बात की जाए तो नसीम लियाकत जो कि MC के लीडर है, और खास तौर पर इनके अलायंस के 9 वोट थे लेकिन एक वोट ने कहीं स्लिप किया। हमने बात की नसीम लियाकत से, उन्होंने कहा कि इस पर जो है देख रेख की जाएगी, जिसने भी अपनी पार्टी के खिलाफ जो है वोट डाला है उस पर जो कोई निर्णय लिया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे पहले JK न्यूज ब्रेक ने आपको लाइव दिखाया कि किस तरह से वोटिंग हुई और किस तरह से लोगों का जज्बा है। अभी हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे, वो पूरा दृश्य बताएगा। इस समय खुशी जो है जाहिर कर रहे हैं पूरे वर्कर, और खास कर बात की जाए तो DDC चेयरमैन बने नसीम लियाकत और वाइस चेयरमैन बने शबीर खान। राकेश तारा, JK न्यूज ब्रेक, रजौरी।